अब तक आपने देखा गोकुल में आया एक नया मेहमान, मेरे पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया। उधर कंस ने मिलाया हाथ ऐसे दानव भूतासुर और भभूतासुर से जिन्हें प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान। आश्चर्य होता है मुझे कि तुम इतने प्रतापी मधु कैटक के वंशज होकर इतने मूर्ख निकले। शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना। कान्हा ने बताया दाऊ को मधु खैताब का सत्य। इनका संबंध बहुत समय पहले घटी एक घटना से है। आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तथास्तु। क्या तथास्तु? श्री हरि विष्णु, उठिए, आंखें खोलिए। आपको जागना होगा प्रभु, आपको शीघ्र जागना होगा। श्री हरि विष्णु शीघ्र उठिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उठिए प्रभु। क्या करूं मैं, प्रभु तो निश्चिंत भाव से चिर निद्रा में लीन है, इन्हें कैसे उठाऊं? प्रभु उठिए, श्री हरि विष्णु उठिए, अति शीघ्र उठ जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति थी कान्हा, तुम विष्णु रूप में इतना उठाने के बाद भी जग क्यों नहीं रहे थे? दाऊ, क्योंकि उस समय मैं निद्रा में नहीं योग निद्रा में था। ब्रह्मदेव के प्रयास असफल रहे, मैं अर्थात विष्णु अब भी चिर निद्रा में थे। वहां दूसरी ओर मधु कैटब के अत्याचारों से पूरा त्रिलोक कांप उठा था। अर्थात मधु कैटब को रोकना अब पूर्ण रूप से असंभव था। प्रभु, आप निद्रा से नहीं जागे? फिर तो सृष्टि का विनाश निश्चित था कान्हा। हाँ दाऊ, ये समस्या छोटी नहीं थी, उसमें समस्त सृष्टि का भविष्य टिका था। यदि विनाश समक्ष हो तो विवेक से ही बचने का हल निकाला जा सकता है, और परमपिता ब्रह्मा ने भी हार नहीं मानी, और फिर उन्हें मिला इस समस्या का एक उपाय। हाँ, श्री हरि विष्णु की चिर निद्रा तोड़ने का अब केवल एक ही उपाय है, मुझे योग निद्रा देवी का आवाहन करना होगा। हाँ, उन्हीं का आह्वान करना होगा। हे योग निद्रा देवी, प्रकट होइए, प्रकट होइए देवी, प्रकट होइए। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम योग निद्रा देवी। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? हे योग निद्रा देवी, मेरी सहायता कीजिए। क्या आप मेरे लिए श्री हरि विष्णु को निद्रा से जगा सकती हैं? हे देवी, इस समय श्री हरि विष्णु का जागना अति आवश्यक है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परम पिता। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्री हरि विष्णु। प्रणाम प्रभु। योग निंद्रा देवी, आप यहाँ? मैं यहाँ पे ब्रह्मदेव के आदेश पर आपको निद्रा से जगाने आई थी।
किंतु इसके पीछे ब्रह्मदेव का क्या उपदेश है, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें। प्रणाम प्रभु। प्रणाम परमपिता। प्रणाम देवी। क्या आदेश है ब्रह्मदेव? देवी के माध्यम से मुझे जगाने के पीछे अवश्य कोई विशेष कारण होगा। नारायण नारायण। प्रणाम परम पूज्य पिताश्री। प्रणाम। प्रणाम श्री हरि। अच्छा हुआ आज समय रहते ही आप जाग गए। संपूर्ण देव लोग आज आपकी जागने की प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु। नारायण नारायण। ऐसा क्या हो गया देव ऋषि? नारायण नारायण। ऐसे क्या हो गया प्रभु? एक समस्या उत्पन्न हो गई है और वो समस्या आप ही के कारण उत्पन्न हुई है, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या हुआ? ब्रह्मदेव, देव ऋषि की पहेलियां तो मुझे उलझा रही, अब कृपया करके आप ही बताएं कि हुआ क्या। हे श्री हरि विष्णु, इस समय इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर संकट छाया हुआ है। प्रभु, जब आप चिर निद्रा में थे तब आपके कान के मैल से मधु और कैटप नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने बल से इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर एकाधिकार कर लिया है प्रभु। यहाँ तक कि बलपूर्वक मुझसे मेरा आसन तक छीन लिया है। वो आप ही का अंश है प्रभु, अब आप ही उनका अंत कर सकते हैं। आप ही हमें इस समस्या से उबार सकते हैं प्रभु। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। अब आप ही को उन्हें रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप चिंतित न हो ब्रह्मदेव, यदि वो दैत्य मेरे अंश से जन्मे तो उनकी मृत्यु भी मेरे हाथों होगी, मैं स्वयं उनका अंत करूं। नारायण नारायण। उत्तम अति उत्तम। प्रभु की जय हो। श्री हरि की जय हो। फिर तो आपने बड़ी सरलता से दोनों का वध कर दिया होगा। कहाँ जा रहे हो कान्हा? मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। नहीं दाऊ, मधु और कैटप का अंत करना इतना सरल नहीं था। मधु, कैटप, कहाँ हो? प्रकट हो। आश्चर्य होता है केटव, ब्रह्मदेव तो बड़े ही कायर निकले। लगता है हमारे समक्ष खड़े रहना उनके वश की बात नहीं थी, तो विष्णु देव को भेज दिया। अच्छा, तो तू हमसे युद्ध करेगा? मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा मूर्खो, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, और यदि तुम मेरी बात नहीं समझे तो तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। अरे तू क्या हमारा वध करेगा? तेरा वध तो हम करेंगे अभी और इसी क्षण। अब तो तू अवश्य भस्म होगा विष्णु। भस्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं। Ha ha ha!
ये कैसी विचित्र माया? ये असुर मुझे चक्रवात में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मानो कि मेरे कानों को भेदते हुए जा रही है। ये क्या? इस ध्वनि से मैं सुनो मैं जा रहा हूं। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है कान्हा? तुम्हारे किए हुए वार से दोनों वापस कैसे जीवित हो सकते थे? तुम तो सर्वशक्तिमान थे। इस बात का आश्चर्य तो मुझे भी था दाऊ। उनका अंत करने के मेरे सभी प्रयत्न विफल थे। वो भयंकर युद्ध आसान नहीं था। ये युद्ध बहुत समय तक चला था। इतने समय तक एक ही दैत्य से आप लड़ते रहे? हाँ दाऊ, नीतियों को पलटने के लिए किए गए संघर्ष सदैव बहुत लंबे होते हैं। फिर ये युद्ध कितने समय तक चला प्रभु? We'll be right back.
युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। क्या किया तुमने हमारे साथ? ये कैसी अनुभूति है? के साथ ऐसा अंतहीन युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है, मुझे कोई और उपाय करना होगा। क्या आपने उन दुष्टों का अंत कर दिया है? कहिए ना। नहीं ब्रह्मदेव, उनका अंत असंभव है। मैंने युद्ध के समय उन्हें मारकर उनके शरीर के अनेकों टुकड़े कर दिए, परंतु वो पुनः जुड़कर फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारायण नारायण, यह आप क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं आप? अब यदि आप भी उन असुरों के समक्ष हार मान जाएंगे तो हमारा क्या होगा प्रभु? क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु वे असुर आपके अंश से ही जन्मे हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व है उन असुरों से समस्त सृष्टि की रक्षा करें। नारायण नारायण। और प्रभु, यदि आप इसमें असमर्थ रहे तो विनाश हो जाएगा प्रभु, घोर विनाश, संपूर्ण ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। और प्रभु, यदि आप इसमें असमर्थ रहे तो विनाश हो जाएगा प्रभु, घोर विनाश, संपूर्ण ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। शांत हो जाओ नारद, शांत हो जाओ। आप क्यों व्यर्थ ही भयभीत करने वाली बातें करते हैं? नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं परम पूज्य पिताश्री, हम तो केवल सचेत कर रहे थे। विष्णुदेव, आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। नारायण नारायण, अमृतत्व का वरदान, अर्थात भविष्य में संपूर्ण सृष्टि पे असुरों का राज्य होगा और हम सभी देवताओं को असुरों की सत्ता स्वीकारनी होगी। नारायण नारायण, अब हम क्या करेंगे परम पूज्य पिताश्री, कहाँ जाएंगे हम? नारद, शांत हो जाइए, हमें कुछ उपाय सोचने दीजिए। नारायण नारायण, इन परिस्थितियों में अब यही हमारा भविष्य है परम पूज्य पिताश्री। विष्णुदेव, हमें यथाशीघ्र ही इस रहस्य को जानना होगा कि आखिर मधु और कैटभ को अमरता का वरदान दिया किसने। ये सत्य है, तुमने मेरी कठोर तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मुझे तुम्हें वरदान अवश्य ही देना होगा। आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तथास्तु। क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? अनर्थ हो गया विष्णुदेव, अनर्थ हो गया। माँ भगवती ने ही इसे मत्कार किया है, मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। नारायण नारायण, यदि ऐसा है तो उन दोनों असुर भ्राताओं का अंत होना असंभव है, असंभव। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, आदि शक्ति का दिया हुआ यह वरदान अकाट्य है और हम सब
उनके इस वरदान के समक्ष विवश